दोस्तों जो आपने अभी स्क्रीन पर वीडियो देखी, तो इस तरह इस सॉन्ग पर बहुत सारी स्काई चेंज वाली वीडियो वायरल हो रही है। तो आप भी स्काई चेंज वाली वीडियो इस तरह की कैसे बना सकते हो, सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो ऐसी वीडियो बनाने के लिए आपको दो तीन एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। एक तो VN आप सबके फ़ोन में है दोस्तों पहले से ही, अगर नहीं है तो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाता है। जो दूसरा ऐप है दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ वो है दोस्तों कैपकट ऐप। और कैपकट ऐप को चलाने के लिए आपको पड़ेगी VPN की ज़रूरत, तो उसको VPN को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। VPN आप कोई भी यूज़ कर सकते हो दोस्तों, तो मैं यहाँ पर सिक्योर VPN डाउनलोड कर रखा है दोस्तों। कुछ भाई पे कैपकट ऐप चलाना नहीं आता, तो मैं कैपकट ऐप में सिर्फ स्काई चेंज करना बताऊँगा, उसमें बहुत ही आसान है स्काई चेंज। VN में स्काई चेंज इतना अच्छा नहीं होता जितना उसमें हो जाता है। स्काई चेंज करने के बाद बाकी की जो एडिटिंग है दोस्तों वो VN में आप एक क्लिक में बना लोगे। तो आपको कैसे क्या करना है सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको VPN, आप टर्बो VPN भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी VPN, तो आपको VPN को कनेक्ट करना है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं नेट ऑन कर लेता हूँ दोस्तों। तो नेट ऑन करने के बाद आपको कनेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे ही VPN कनेक्ट हो चुका आप देख सकते हो, तो मैं बैक आ गया हूँ दोस्तों। बैक आ जाने के बाद VPN ऊपर आप देख सकते हो ऑन हो चुका है। अब आपको कैपकट ऐप में जाना है। कैपकट ऐप में जाने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको जो अपनी वीडियो आपको शूट की है, अगर नहीं कर रखी है तो आपको क्या करना है दोस्तों, एक वीडियो शूट कर लेनी है जिस तरह मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उस तरह की एक वीडियो आपको शूट कर लेनी है। आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है सबसे पहले। यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देने के बाद आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको सभी चीज़ को इसको अलाउ कर देना है। प्ले स्टोर पर आपको कैपकट ऐप नहीं मिलेगा, और गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी जो गैलरी की चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो जाएगी, आप देख सकते हो। तो आपको अपनी एक वीडियो शूट कर लेनी है कुछ इस तरह, जिस तरह मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इस तरह आपको चल के और बिना फ़ोन हिलाए आपको वीडियो बना लेनी है दोस्तों। ऐड वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। ये सब करने के बाद आपकी जो वीडियो है यहाँ पर आ जाएगी। आपको जितना भी वीडियो को रखना है आप सिर्फ उतना ही वीडियो यहाँ पर लेके आइए दोस्तों, आप देख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ को लेता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक किया दोस्तों वीडियो पर। वीडियो पर क्लिक करने के बाद नीचे स्प्लिट आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर दें। जो आगे का पार्ट है उस पर क्लिक करके आपको उसको डिलीट कर देना है। और जो और भी पार्ट है दोस्तों आप देख सकते हो, जितना आप लेना चाहते हो इतना आप ले सकते हो। तो रखना चाहता हूँ और बाद में एक एंडिंग लिखा है यहाँ पर क्लिक करना है, उसको डिलीट आपको कर देना है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर म्यूट ऑडियो क्लिप लिखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना। जो भी आपका बैकग्राउंड में साउंड है वो बंद हो जाए। ऐड ओवरले पर क्लिक करना है फिर से यहाँ पर। और आपको एक वीडियो की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, वो वीडियो कौन सी है मैं आपको दिखा देता हूँ। वो वीडियो दोस्तों अभी अभी मुझे डाउनलोड की है, तो आप देख सकते हो ये वाली वो वीडियो है। तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हो इसको आपको फुल साइज कर लेना है। फुल साइज करने के बाद आपको जो इसकी स्पीड है नॉर्मल पर आपको इसकी स्पीड को कम कर देना है। तो ये 8-9 सेकंड किया दोस्तों, तो ये मुझे स्पीड कम कर दिया दोस्तों इसकी, आप देख सकते हो यहाँ पर ज़्यादा स्पीड कम कर दिया। तो मैं थोड़ी यहाँ पर कम कर देता हूँ दोस्तों, इसको तेज कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो दोस्तों, तो यहाँ पर मैं इसको इतना ही रख लेता हूँ। तो इतना रख देने के बाद आपको क्या करना है, जो ऊपरले वाली आपकी वीडियो है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है कॉपी का, उस पर क्लिक कर देना है। और फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ओवरले, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस वीडियो पर आपको लॉन्ग टाइप करना है, इसको नीचे की ओर ले जाना है दोस्तों कुछ इस तरह, और यहाँ पर शुरू में मिला देना है। और जो आपकी वीडियो है इस पर क्लिक करना है, आपको रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा ये वाला, आपको कर देना है कुछ इस तरह। तो आपकी जो वीडियो है इसका रिमूव बैकग्राउंड यहाँ पर चल चुका है। जैसे ही 100% कंप्लीट हो जाएगा तो इसका रिमूव बैकग्राउंड ऑटोमेटिक हो जाएगा, आप देख सकते हो दोस्तों। और आपको इसमें बहुत कुछ करना है, मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। आपकी स्काई को भी अच्छी तरह से एडिट करना है। जैसे ही 100% कंप्लीट हो जाएगा तो जल्दी से यहाँ पर 100% और जा रहा है आपके सामने। तो दोस्तों अब जो आपकी स्काई वाली वीडियो है बीच वाली, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद लास्ट में आपको चले जाना है। आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर मास्क का, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपको स्प्लिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर इस तरह का आपको पेज दिखेगा, तो आपको कुछ इस तरह
तो इस तरह आपको इसको कर देना है। ये कर देने के बाद जो आपकी वीडियो है दोस्तों वो बन चुकी है। बस अब आपको कुछ भी नहीं करना, इसमें आपको सिर्फ इतना ही करना है। आगे का प्रोसेस आपको क्या करना है दोस्तों, इसको आपको एक्सपोर्ट कर लेना है और जो आपको आगे एडिट करनी है वो करनी है वीएन में। तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ ऊपर से यहाँ से, तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगी दोस्तों। एक्सपोर्ट हो जाने के बाद जो ये वाली वीडियो आपकी आ जाएगी गैलरी में, तो इसमें कलर ग्रेडिंग भी आपको वीएन में ही करनी है। वो एक्सपोर्ट कर दी है, गैलरी में आ चुकी है। अब आपको वीएन ऐप में जाना है। अब आप अपना नेट भी बंद कर सकते हो, तो मुझे नेट भी बंद कर दिया है। तो अब आपको वीएन में जाना है। वीएन में जाने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, वीएन में जाने के बाद सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में से आपको वीडियो को डाउनलोड करना होगा। वो वाली वीडियो आपको डाउनलोड कर लेनी है और जो ये स्काई वाली वीडियो है इसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो दो वीडियो है दोनों को डाउनलोड कर लेना है डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट पर। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले जिस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों वो फुल वीडियो है, आपको डाउनलोड कर लेना है, उस वाली को सिलेक्ट करना है। तो मैं सबसे पहले उसी वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर मेरी सारी वीडियो धीरे धीरे शो हो रही है। तो मैं यहाँ पर उसी वीडियो को सिलेक्ट कर लिया है, आप देख रहे हो, और नीचे एरो वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपके सामने यहाँ पर प्रोसेसिंग हो जाएगी वीडियो, आप देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पर प्रोसेसिंग हो जाने के बाद आपके सामने आपकी वीडियो को एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी वीडियो आ जाएगी। अब आपको इस वीडियो क्या करना है, इस वीडियो को आपको धीरे धीरे इसे प्ले करना है दोस्तों, आप देख रहे हो कुछ इस तरह। और आपको इसको दोनों उंगली से इस तरह बड़ा कर लेना है, ठीक है दोस्तों। ये कर देने के बाद जहाँ पर ये ब्लैक लिरिक्स लिखा था आपको वहाँ पर इसको रोक देना है। मैं आपको सेकंड भी बता दूँगा, तो आपको इसको यहाँ पर 7 सेकंड से थोड़ा पीछे है वहाँ पर आपको रोक देना और स्प्लिट कर देना है। जो आगे का पार्ट है इसको आपको क्लिक करके इस तरह डिलीट कर देना है। और जो ये वाला है दोस्तों, इस वाले की आपको यहाँ से साउंड को बिल्कुल 0 आपको कर देना है, इस साउंड को बिल्कुल बंद कर देना है। ये करने के बाद जो आपको वीएन से उसमें कैपकट से ऐप कैपकट ऐप से आपको एक्सपोर्ट की थी वो वाली वीडियो यहाँ पर ऐड कर लेनी है। इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना और वीडियो पर, तो उसी वीडियो को आपको ऐड कर लेना है। मैं उसी वीडियो को ऐड कर रहा हूँ और एरो वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग चल जाएगी और ये भी इस तरह यहाँ पर आ जाएगी। तो जल्दी से इसकी प्रोसेसिंग हो जाती है दोस्तों, आप देख सकते हो। ये कर देने के बाद अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोसेसिंग हो चुकी है। अगर आपकी वीडियो स्लो मोशन नहीं है तो यहाँ पर आप स्लो मोशन कर सकते हो। इस वाली वीडियो पर ही क्लिक करना है और स्पीड का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से इस तरह नीचे की ओर करके इसको कम या ज़्यादा अपने हिसाब से ऊपर करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, नीचे आपको धीरे धीरे इस तरह कहीं से आपको इसको ऊपर रख देना है, तो ये जूम हो जाएगी। ये कर देने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब सबसे पहले आपको वीडियो पर ही क्लिक करना है और फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप चाहते हो यहाँ से आपको कोई भी एक फिल्टर लगा देना है, आपकी वीडियो मिक्स हो जाएगी, तो मैं ये वाला यहाँ पर फिल्टर लगा देता हूँ और बाकी का आप यहाँ से ऊपर से एडजस्ट कर सकते हो दोस्तों कुछ इस तरह। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा सा भी आपको बढ़ा देना है कुछ इस तरह। तो मुझे यहाँ पर शार्पनेस भी दोस्तों मैं आपको अपने हिसाब से कर देना। तो ये सब करने के बाद आपकी वीडियो में अलग ही इफेक्ट से दिखेगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो पर क्लिक करना है और एफएक्स वाले ऑप्शन पर। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है दोस्तों, यहाँ पर जूम आउट का ये वाला आपको लगा देना है। और इसको लगा देने के बाद आपको इस पर लॉन्ग टैप करना है, इसको इस तरह यहाँ पर मिला देना शुरू में। तो अब आपको इसमें म्यूजिक ऐड करना है। म्यूजिक ऐड कैसे करना है, आपको यहाँ पर टैप टू ऐड स्टिकर लिखा है यहाँ पर क्लिक करना है और वीडियो और फोटो पर। और जो ये वीडियो मुझे आपको नीचे दी थी दोस्तों, ये लॉन्ग वीडियो थी, यही वीडियो आपको फिर से सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये वाली वीडियो आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस वीडियो पर ही क्लिक करना है और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है एग्जिट ऑडियो का, इस पर क्लिक करना है। तो आपकी जो इस वीडियो की ऑडियो ऊपर चली जाएगी और इस वीडियो को क्लिक करके आपको डिलीट कर देना है। तो अब आप अपनी वीडियो को प्ले करके यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल अच्छा इफेक्ट आपकी इसमें लग जाएगा दोस्तों। सब चीज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि जो एपेक्स वाला है आप और भी बड़ा अपने हिसाब से इस तरह कर सकते हो, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप देख सकते हो इस तरह आप कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो बन चुकी है बिल्कुल कंप्लीट। अब आपको यहाँ से एक्सपोर्ट करने का पता है कि आप कैसे क्या कर सकते हो, ऊपर एक्सपोर्ट लिखा है दोस्तों।
सबसे पहले तो आपको जितना आपका सॉन्ग है उतना ही वीडियो को रख लेना है। आप देख सकते हो इतना सॉन्ग है तो मैं इतना ही वीडियो को रख लूँगा और जो आगे का पार्ट है उसको डिलीट कर देना है। तो हमारा इतना ही पार्ट है, इतना ही ठीक है दोस्तों, बन चुकी है वीडियो। तो ऊपर एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, वीडियो आ जाएगी यहाँ से गैलरी में। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो वीडियो आ चुकी है गैलरी में।